वेलकम टू एनएन ब्लॉक्स। आज दिखाता हूं आप लोग को सैमसंग एडेप्टर 25 वॉट का ओरिजिनल और डुप्लीकेट का डिफरेंस क्या क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। ये दोनों ही 25 वॉट का है और ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। ये थोड़ा लाइट कलर में है, ये थोड़ा डीप कलर में है और इसका एमआरपी है 1699, इसका भी 1699 है। ये मेड इन इंडिया लिखा है, ये भी मेड इन इंडिया लिखा है और इसका प्राइस है 800। इसका वारंटी गारंटी नहीं है, ये ऑनलाइन से लाया हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। और इसका है 1699, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट करके ये 1350 में मिलेगा। अभी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। देखिए दोनों देखने में एक ही जैसा है, लेकिन ये ओरिजिनल वाला में लिखा है मेड इन इंडिया और यहाँ पे लिखा है मेड इन वियतनाम। मैंने ये दोनों डिफरेंस पाया। ये बॉक्स का थोड़ा डीप कलर है और ओरिजिनल वाला थोड़ा लाइट कलर है और यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे मेड इन वियतनाम लिखा है। तो आप लोग परचेस करने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। सैमसंग का बहुत सारा मॉडल में एडाप्टर नहीं आता है और सबसे ज़्यादा डिमांड है 25 वाट का ही। और अगर आप कंफ्यूज में है तो सर्विस सेंटर लेके जाइए, आपको दिखा देगा कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट। आप लोगों को दिखाया मैंने ओरिजिनल और डुप्लीकेट का डिफरेंस। आप लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज़ करने से आप लोग का फ़ोन का बैटरी ख़राब हो सकता है, तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट से आप लोग बच के रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।